मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस महिला प्रभाग ने सौंपा ज्ञापन, जलाया पुतला। आदिवासी कांग्रेस की महिला प्रभाग की नेत्रियों ने महू जिले में आदिवासी समुदाय के साथ गोलीकांड के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। विदित हो कि महू जिले में हुए आदिवासी समुदाय के साथ घटित गोलीकांड एवं आदिवासी समुदाय की बहन की हत्या के विरोध में मंडला जिला कांग्रेस कार्यालय के पास नेहरू स्मारक में प्रदर्शन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित कर महामहिम राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित राकेश तिवारी, शील देवी झा, सकुन जंगेला, सरजू प्रसाद तिवारी, कमल मराबी, रागिनी परते, रेखा परते, निशा गोस्वामी, आशा मस्कोले, मीरा श्रीवास, इंदिरा बोरिया, आमना बेगम, अंजू सुलक्षणा मस्कोले, प्रेमवती कुड़ापे, हिरमा कुड़ापे, सुन्नी व्यायाम, आशु जैन, शेख अतीक, जयेंद्र चौधरी, कुलदीप कछवाहा, मुकेश कछवाहा, श्री कांत कछवाहा, जीतराज कछवाहा, बब्बी राय, अमन लहोरिया, हीरा सिंह उइके एवं सोशल मीडिया विभाग प्रभारी विवेक दुबे शामिल रहे। आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, और अब वो हम नहीं कह रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के जो सर्वे हैं उनके आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर वन में है। जो महिला उत्पीड़न और महिला हिंसा और महिला के विषय में इतने सारे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अपराध होने का कारण भी है राजनीति। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जो सरकार चल रही है, आज उस सरकार में जितना अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, अगर वही संरक्षण हम जैसे बहनों के लिए मिल जाता, हमारी बहनों के लिए सुरक्षा बढ़ा दिए जाते, तो आज शायद ही ऐसे अपराध देखने और सुनने को नहीं मिलता। जिस तरह से आज महू में जो बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, इसके बाद हत्या हुई, और हत्या के बाद में आज प्रशासन उन पर खुद ही 307 का मुकदमा दायर कर रही है। मुकदमा में क्या होता है कि उनको 10 साल की सजा और जुर्माना। तो ये जब अपराधी जो जिनकी हत्या हो चुकी है उस परिवार के ऊपर ऐसे मुकदमे अगर सरकार लगाएगी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।